देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, बोल बाला है भाई, बोल बाला है झूठ का। कल 16 अगस्त को मालेगांव शहर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष की ओर से वो 12 प्रत्यार मित्र मंडल की ओर से मालेगांव शहर तहसीलदार को 9000 बोकस वोटरों की लिस्ट दी गई। उसके बाद दोपहर में मालेगांव शहर नासिक जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एडिशनल कलेक्टर को भी मालेगांव बाह्य मतदार संघ की यादी जाहिर होते ही 3 दिनों की जांच पड़ताल के दौरान शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गट के नेता बंडू काका बच्चाव, वो 12 मतदार मित्र मंडल के कई पद अधिकारी रामा मिस्त्री, प्रमोद शुक्ला, भरत पाटिल, महात्मा ज्योतिबा फुले समिति के गुलाब पगारे, इन सभी ने 9000 मतदान किस तरीके से बोकस तरीके से बढ़ाए गए हैं इसकी पूरी डाटा पूरी यादी नासिक जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जमा करवाई। और उसमें एक बात खास कर ये बतलाई कि हरकत लेने का वक्त 20 तारीख तक है जबकि फाइनल यादी 30 अगस्त तक आएगी। तो हरकत के लिए 30 अगस्त यादी के डिक्लेयर होने के बाद 8 दिन का समय बढ़ाकर दिया जाए और कौन से राजकीय नेता ने फायदा लेने के लिए एक ही लोगों की वोट को चार चार जगह पर किस तरीके से बढ़ाया, कौन कौन से अधिकारी इसमें उनमें शामिल थे, किस तरीके से एक ही शख्स की वोट 5-5 जगहों पर कैसे अलग अलग यादियों में बढ़ गई, इस प्रकार का पूरा डाटा निकाल कर एडिशनल कलेक्टर ऑफिस को जमा करवाया गया, जिसमें जो यादी अभी शासन की ओर से आई है उसमें जांच पड़ताल करते हुए अब तक की 9000 बोकस वोटें निकल चुकी है, यानी कि एक ही शख्स की 5 वोट, कहीं 4 वोट, कहीं 3 वोट, कहीं 2 वोट, इस प्रकार से गैर संवैधानिक तरीके से वोट बढ़ाई गई। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कानून जो बनाए गए हैं उसके मुताबिक एक शख्स का एक ही वोट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कानून का उल्लंघन करते हुए इसका फायदा किसको मिलने वाला है, किसने किया है, किसने करवाया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इस प्रकार की डिमांड भी नासिक जिला कलेक्टर ऑफिस पर की गई है। अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये लड़ाई रास्ते पर उतर सकती है, ये एक संघर्ष बन सकता है, इस तरीके का आह्वान भी किया गया। तो वहीं उसी के साथ निवर्णुक अधिकारी के साथ भी बैठक की गई, मुलाकात की गई और निवर्णुक अधिकारी को भी ये सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट बतौर सबूत प्रूफ के तौर पर जिला निवर्णुक अधिकारी नासिक के ऑफिस में पहुंचकर, जो जिला कलेक्टर ऑफिस में ही निवर्णुक अधिकारी का दफ्तर है, ऑफिस है, वहां पर भी ये पूरी टीम पहुंची और उन्होंने वहां पर भी निवर्णुक अधिकारी को विस्तार से इस बोकस वोटों के ज़रिए से पूरा डाटा सौंपा है। और वहीं उन्हें पेनड्राइव भी दिया गया और उनसे पूरी रिक्वेस्ट वो दरख्वास्त की गई है कि इन बोकस वोट को जल्द से जल्द कटवाया जाए, एक शख्स का एक ही वोट होना चाहिए, इस प्रकार की बात भी यहां पर बंडू काका बच्चा, गुलाब राव पगारे, प्रमोद शुक्ला, रामा मिस्त्री, भरत पाटिल, कैलाश तीसगे, इन सभी ने निवर्णुक अधिकारी से इसकी दरख्वास्त भी की है। कानून का हवाला देते हुए भी उन्हें बताया कि हमने आपको पूरा डाटा रेडी करके दिया है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बैठकर कट करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दर्शकों कि ये 9000 वोटें जो अभी पूरी कंप्लीट यादी नहीं आई है और इसमें जांच पड़ताल के दौरान 9000 वोटें जो शशिकांत मंगरूल उप जिला अधिकारी तथा उप जिला निवर्णुक अधिकारी है उन्हें सौंपी गई है, उन्हें बताया गया है कि कैसे बढ़ गई है, किसने बढ़वाई है, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड, इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार का मामला मालेगांव शहर में भी पेश आया था, जब 2019 के चुनाव हुए थे तो मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख ने भी 40,000 वोटें इसी तरीके से निकाल कर बताई थी कि किस तरीके से बोकस वोटें बढ़ाकर
चुनाव को अलग मोड़ पर ले जाया जाता है और हारता हुआ उम्मीदवार इन बोकस वोटों के जरिए चुनकर आ जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, बारह वृत्तिदार मित्र मंडल, महात्मा ज्योतिबा फुले उत्सव समिति, इन सभी लोगों ने यहाँ पर निवर्णक अधिकारी के पास अपनी दरख्वास्त रखी है, पूरा डाटा पेश किया है और फाइनल यादी के बाद 8 दिनों का समय हरकत लेने के लिए बढ़ाया जाए इसकी भी रिक्वेस्ट की है। क्योंकि अभी फाइनल यादी में जांच पड़ताल अगर की जाए तो और भी 20,000 इस प्रकार की डबल टिबल और बोकस वोटें निकलने का अंदेशा यहाँ पर जाहिर किया गया है। अब देखना यह है कि निवर्णक आयोग इस पर कितनी कार्रवाई करता है। हमने मुलाकात कर उनसे भी जानने की कोशिश की, आइए सुनाते हैं आपको कि उन्होंने हमसे मुलाकात के दौरान क्या कहा। ले लिया है हाँ संदर्भ अपन का मतलब एक्शन घेणार आहे संदर्भात आपला आता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चालू आहे ज्या अंतर्गत आमचे मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन जे काही दुय्यम मतदार असतील किंवा डुप्लिकेट मतदार असतील किंवा एकाच मतदार असतील जे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नावं असतील तर त्याचा शोध घेत आहेत आणि असे जे मतदार आढळून येतील तर त्यांची नावं निश्चितच कमी केली जातील। हा जे ज्यांनी जी चुकी केलेली आहे कोणाची जबाबदारी होती मग त्यांच्यावर आपण काय एक्शन घेणार का? त्याच्यामध्ये सध्या तरी आपण ते दुबार नावं जे असतील तर दुबार नावं कमी करत असतोय आणि जर समजा असं आढळलं की कुणी त्याच्यामध्ये कायदेशीर बाबींचं उल्लंघन केलेलं आहे तर निश्चितच त्या कायदेशीर बाबीच्या उल्लंघनासंदर्भात आपण कायदेशीर कारवाई देखील त्याच्यामध्ये करू। आपण जनतेला आपण काय आवाहन करणार का त्यांच्या चुकीने कोणी असं यांच्या नावाला डॉक्युमेंट घेऊन आणि स्वतः त्यांचे मतदान वाढतंय मग जनतेला सामान्य नागरिकांनी एकदा आपली मतदार यादीमध्ये बघून घ्यावं की त्यांचं नाव जर कोणी दोन दोन ठिकाणी दाखल केलेलं असतील तर एका ठिकाणचं नाव त्यांनी स्वतःहून ते कमी करून घ्यावं जेणेकरून मतदार यादीमध्ये दोन वेळेस नाव असणार नाही किंवा त्यांच्या नावावर कोणी बोगस मतदान करणार नाही। ज्यांचे दोन नाव आहे कधी कारवाई झाली तर त्यांच्यावर पण कारवाई होणार का? होऊ शकतं ना, त्याच्यामध्ये जर दोन ठिकाणी नाव ठेवणं हे कायदेशीररित्या गुन्हाच आहे तर अशा पद्धतीने आपलं नाव दोन ठिकाणी असणार नाही या संदर्भात सर्व नागरिकांनी जागरूक राहावं आणि स्वतःहून हे नावं कमी करून घ्यावे म्हणजे प्रशासन त्याच्यामध्ये कायदेशीर कारवाई करण्याच्या अगोदर जर त्यांनी स्वतःहून नावं कमी करून घेतले तर त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई त्याच्यामध्ये होणार नाही। निवडणूक अगोदर हे नाव कमी होणार का? त्याच्यामध्ये निवडणूक अजून जाहीर व्हायला वेळ आहे त्यामुळे जिथे जिथे आपल्याला नावं दुबार आहेत याची निश्चिती होईल तर तिथे विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून आपण नावं कमी करू। आपण निवडणूक अधिकारी की ओर से आह्वान किया गया है कि जिनकी यादी में डबल टिबल नाम है वो खुद से अपने नामों को कम करवा ले वरना कानूनी कार्रवाई होने पर होगी तो उनमें भी अड़चन होगी और उन पर भी डबल वोट रखने का और कानून का उल्लंघन करने का गुनाह दाखिल होगा। हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आपकी डबल टिबल वोट से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपकी इन डबल टिबल वोटों का फायदा राजकीय नेता उठाने वाले हैं, सत्ता वो भोगेंगे, माल वो कमाएंगे और अगर कार्रवाई होती है तो गुनाह आप पर दाखिल होगा। आप खुद इसकी दक्षता लेते हुए आप खुद अपनी अपनी वोटों अपनी यादी में चेक कीजिए, अगर आपका नाम कहीं भी किसी भी यादी में डबल टिबल जगहों पर दिखता है तो आप खुद अपने वोट को एक आदमी एक इंसान और एक वोट के अधिकार से आप नाम कटवा लें और अपनी यादी में एक ही नाम रखवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाम से आपकी वोटें अलग अलग जगहों पर डलवा कर राजकीय नेता अपना फायदा उठा ले और आपको मुसीबत में डाल दे। जागरूक रहिए, जागते रहिए, कोई आपके अधिकार का गलत दुरुपयोग ना करे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, मैं जाबिर शाह फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ नए मुद्दे पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।